नमस्ते, हम इजिप्ट में स्वेज नहर को क्रॉस कर रहे हैं और हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता था स्वेज के बारे में। अब सामने क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, मैं दिखाता हूँ और कैसे कैसे क्रॉस करेंगे हम लोग। और पूरा 193 किलोमीटर का ये पूरी जर्नी रहेगा। तो GoPro से बन रहा है टाइम लैप्स। इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, ये ठीक है, ये बहुत बढ़िया लगी है स्वेज में दुकान भाई, ये लोग लगाते हैं यहाँ पे। ये देखो ये मैग्नेट है फ्रिज पे चिपकाने वाले, शॉप आती है भाई जिपके हैं। अब फिटर बाहर जाके लेते हैं, पसंद कर लो। फाइनली ब्रिज आ गया, इसका वेट सुबह से मुबारक पीस ब्रिज है ये। हम लोगों को लगेंगे चैनल क्रॉस करने में 10 से 12 घंटे और बाकी आगे आएगा ट्रैफिक रहेगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से गाड़ियाँ आर पार होती हैं, दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से ये रोड है, ये सीधा इसको मिल जाएगी बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। कैनल के अंदर, नहर के अंदर है हम लोग तो। मेरे ऊपर आ गया ब्रिज, सामने कुछ लिखा हुआ है मैं देखता हूँ, पर हमारे शिप के मैं दिखाता हूँ। हमारे पीछे भी शिप है, ऐसे 40 से 50 शिप एक दिन यहाँ से क्रॉस होते हैं और वहाँ से भी इधर आते हैं। बीच बीच में आपको दो लेन दिखेंगी, तो इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिया है। देखो पीछे रेत भरा हो ना, तो ये लोग यहाँ से निकालते हैं ताकि गहराई बढ़ती जाए ना कि कम हो। दिस इज पायलट एंड फ्रॉम स्विच कैनल, थैंक यू सर, वेलकम टू इजिप्ट। तो ये है पायलट गोट, अभी पायलट से बात हुई, बहुत रियली नाइस। अपना भाई आया देहरादून से, याद दिला रहा मेरे को देहरादून की, ठीक है। तो पीछे अभी अभी गोप इजिप्ट का बोर्ड गया, आप लोगों ने दिखाता हूँ। और तो स्वेज कैनल करता क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये है मेडिटेरेनियन सी, ये देखो। तो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी और रेड सी से सीधा यहाँ इंडियन ओशन में पहुँच जाता है। अगर स्वेज कैनल नहीं होता तो हमें यहाँ से पूरा नीचे से घूम के फिर अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, इंडिया आना है, तो इतना घूमना पड़ेगा ये सारा। तो ये पूरा टाइम बचता है, दिन बचते हैं। तो वहाँ से वन वे है, यहाँ से डबल वे हो गया। तो देखो ये वाले सिर्फ सुबह वहाँ से निकल के होंगे, यहाँ से अब अंदर जाएंगे, देख रहे हो सामने से, और वहाँ से हम लोग इधर को आए। इतने सारे सिर्फ है, ये सब अब उस तरफ जाएंगे, हम लोग उस तरफ जाएंगे। हरियाली यहाँ पे रेत में कितना मेहनत कर रहे हैं लोग, ठीक है। अच्छा हम लोग तो पेड़ काटने में लगे हुए हैं, खैर डिफरेंट बातें हैं। बस सामने है।